कल भी आप मेंशन कर रहे थे मेरे ख्याल से तो टेंट डेमा की बात करी थी आपने क्या लग रहा है भाई साहब स्क्रीन को देख के आज इस तरह के तगड़े गैप डाउन के साथ जब शुरुआत होगी तो मेरे समीकरण कैसे बैठ रहे होंगे और अप्रोच क्या होगा गुड मॉर्निंग आशीष गुड मॉर्निंग देखिए फाइनल मैसेज देना है हमको आज दो प्रोस्पेक्टिव से पहले कल की अप्रोच पे आता हूं फिर बात करूंगा आज कल मेरी अप्रोच यही थी कि डेट वेट्स पर फोकस कीजिए बट वी आर टू फार फ्रॉम शॉर्ट टर्म एवरेजेस उनका टेस्ट होना लाजमी है अब आज हम खुलते ही साथ दोनों ही इंडस्ट्रीज उन एवरेजेस को टेस्ट करेंगे बट अप्रोच ये थी कल हम डिप्स को बाय करेंगे पहला डिप था टू टू जीरो टू जीरो बाईस हजार बीस और दूसरा था नाइन टू नाइन सिक्स सेवन नाइन एग्जैक्टली वही लो था मैं आज भी आशीष डेट एट्स पर ही फोकस करूंगा बट एक ट्रेजिक्टी अगर वॉलेट हो गई तो शॉर्ट भी कैरी करूंगा वो क्या है समझते हैं देखिए पहली बात तो यह है कि हमें ज्यादा क्लियर मैसेज देना है आज निफ्टी बैंक में क्योंकि एच बैंक को आज अपना क्लियर मैसेज देना है इंस्टीट्यूशन क्या अप्रोच रखेंगे इस नंबर के बाद वो भी देखना है तो बड़ा क्रिटिकल निफ्टी बैंक रहेगा दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि आशीष दस जनवरी को एग्जैक्टली ऐसा ही डिप मिला था बट एक्सपायरी डे ने पुल बैक जनरेट कर दिया था तो प्लीज उसको माइंड में रखिएगा पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स देखते हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डैमेज स्कीम पे है अब उसे हमें प्ले करना है फिर भी छः करोड़ रुपए की एफ की बैंक तीन करोड़ रुपए की डी आई सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर्स एफ आई ने लगभग एक करोड़ रुपए का बेचा 1100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कर लिए ग्यारह करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कम कर लिए करीब बारह और एक और चीज काफ़ी गलत थी कल के स्ट्रक्चर में वो था पुट शॉर्ट का कम होना आशीष बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी के लिए दोनों के पॉस्पेक्टिव से यह अच्छा नहीं है कि उनकी तरफ से करीब दो लाख पुट शॉर्ट शॉर्टपुट बेस होता है वो रिड्यूस हुई है अप्रोच क्या रखूंगा देखिए अगेन डेटेड पर फोकस करेंगे प्लीज जरा प्लीजन के आ, क्लस्टर्स को लेकर आइएगा कल आशीष सबसे स्ट्रॉग कॉल राइटिंग कहां पे हुई है आपकी स्क्रीन पे इस बात के बावजूद कि यूएस फ्यूचर्स नीचे हैं हमें एच की अर्निंग्स को देखना है सबसे बड़ी कॉल राइटिंग जो हुई थी वो थी बाइस एक सौ की स्ट्राइक पे बाईस हजार पे फिर भी नहीं थी बाईस दो सौ पे बाईस तीन सौ पे और नीचे बाईस हजार पे उसके बाद इक्कीस आठ सौ और इक्कीस नौ सौ सबसे स्ट्रॉग पुट राइटिंग थी बाजार इस गैप डाउन के लिए प्रिपेयर नहीं था अब स्क्रीन पे आएंगे आपको क्लस्टर जो मिल रहा है आशीष वो है इक्कीस आठ सौ पचास और बाईस हजार बीस के क्लस्टर का मिल रहा है आज ट्रेड करने के लिए वो ऑप्शंस आपको पिरािड्स क्लियरली रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमारे पास लगभग डेढ़ सौ पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री है आज मेरा व्यू क्या रहेगा देखिए बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा और बेस वन आपके स्क्रीन पे आएगा वो है ऑप्शन बेस प्लस टेन डे एक्सपोनेंशियल मिंग एवरेज इट्स टू वन एट फाइव टू टू वन सेवन एट जीरो आशीष अगर ये ट्रेजेक्ट्री निफ्टी पोस्ट गैप डाउन होल्ड कर रहा है तो मैं एक बाय ट्रेड लूंगा वो बाय ट्रेड इस एक्सपेक्टेशन में कि वी विल गेट अ पुल बैक टूअर्थ कहाँ पे इक्कीस नौ सौ पचास बाईस हजार बीस यहाँ तक के पुल बैक के लिए ट्रेड लूंगा और याद रखिएगा पुल बैक के बाद अगर आर एस वन नहीं बाइसेक्ट हो रहा है तो फिर शॉर्ट लेंगे एक बार लेकिन मेरे को जो ट्रेजेक्ट्री नजर आ रही है आज वो है बाईस हजार बीस और नीचे की तरफ करीब करीब इक्कीस हजार आठ सौ पचास और इक्कीस सात सौ नब्बे मैं इस ट्रेड चैनल को ट्रेड करूंगा पूरी कमेंट्री मैंशनड है बट शॉर्ट में तब कैरी करूंगा अगर हम एक क्लोज दे दें इक्कीस सात सौ अस्सी या सात सौ बावन के नीचे

बैंक निफ्टी पर राय क्या है बैंक निफ्टी पर याद रखिएगा जो प्लेसमेंट है वो ये कहती है कि 48500 पे 300 पे 200 पे स्ट्रांग कॉल राइटर्स हैं लेकिन सैंतालीस पांच पे सैंतालीस दो पे स्ट्रांग पुट राइटर्स भी खड़े हैं मेरी अप्रोच रहे है। क्या रहेगी बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा याद रखिएगा ये ओपनिंग हमको करीब करीब सैंतालीस छ सौ पचपन और सैंतालीस पांच सौ नौ की ट्रज्री देगी मेरे ख्याल से मेरे मुताबिक ये है ऑप्शन बेस प्लस ट्वेंटी डी एवरेज ये होल्ड किया और वहां पे 1640 अगर पर बैंक होल्ड कर ले तो अब पुल बैक टूवर्ड्स एंड पुल बैक टूवर्स दिस क्लस्टर इज पॉसिबल अगर नहीं टिका टिकेगा क्लस्टर फिर शॉर्ट लेंगे जैसा कि मैंने पिक्चर ड्रॉ करी निफ्टी के लिए अगर इक्कीस सात सौ अस्सी सात सौ पचास के नीचे क्लोज हो रहा है तो बहुत खराब हो जाएगा स्ट्रक्चर वहीं अगर बैंक निफ्टी आशीष किसी भी सर्कमस्टेंसिस में सैतालीस पांच सौ नौ के नीचे आज एक क्लोजिंग दे दे तो ये स्ट्रक्चर काफी खराब हो जाएगा और उस सर्कमस्टेंसेज में छियालीस नौ सौ पचास के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा आशीष एच डी एफ सी बैंक सिक्सटीन फोर्टी सिक्सटीन ट्वेंटी सेवन सबसे इंपॉर्टेंट क्लस्टर उसके लिए आज आशीष क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत क्या एडियाज हाईलाइट कर रहे हैं बाजार कैसे लेगा उन नंबर्स को एच डी एफ सी बैंक का एडिया छह सात परसेंट दबाव हालांकि पता नहीं लोअर लेवल्स पे शायद एक्यूमुलेशन आए क्योंकि बाजार को पता था कि अगले दो क्वार्टर्स मर्जर रिलेटेड पेन्स नंबर्स में आएंगे वही हो रहा है इससे ज्यादा कुछ नहीं तो फिर भी पेन तो है ही है